गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट. टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास 3 मैथ्स. बच्चों आज हम आप लोगों को क्लास 3 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं. चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं. इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं. आज का क्लास शुरू हो रहा है, उसमें आपका है राइट द नंबर दैट फॉलोज. जैसे यह नंबर राइट, इस नंबर को क्या राइटनेस लिखिए, संख्याओं को लिखिए जो दिया हुआ है, दैट फॉलोज जो इसको अनुकरण कर रहा है, इसको उस तरह इसको आपको फॉलो करना, फॉलो करके अनुकरण करके इसको लिखना है. जैसे दिया है क्वेश्चन आपको 2002, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 2003, यानी क्या फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि इसमें वन ऐड हो रहा है, टू है और थ्री हो रहा है. तो यह कंसेक्यूटिव नंबर की तरह आगे के करके आगे बढ़ रहा है. तो 2003 के बाद हो जाएगा 2004, ऐसे यहाँ जाएगा 2005, वन वन ऐड होकर सब बढ़ रहा है. तो क्या बढ़ रहा है, प्लस वन हो रहा है, प्लस वन प्लस वन. इस तरह 2006 इस पे प्लस वन हुआ, यहाँ जाएगा प्लस वन, तो क्या हो रहा है 2007. इस तरह जो भी रूल्स इसमें फॉलो हो रहा है उसको उसको अनुकरण करते हुए इसको हम नंबर को लिखना है. यह 2235, तो 2235 के बाद क्या होगा, इसमें प्लस वन करेंगे तो 2236, इसमें प्लस वन हुआ तो 2237, प्लस वन करेंगे तो 2238, इसमें प्लस वन करेंगे तो 2239, इसमें करेंगे तो 2240. ऐसे आपको सब में प्लस वन करके ये रूल्स आपको कर फॉलो करने के, इस तरह करके आपको फॉलो करके इसमें को हम फिल करेंगे, नंबर को हम लिख देंगे, ठीक है. दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, काउंट काउंट बैकवर्ड्स. बैकवर्ड काउंट आप पढ़े हुए हैं, बैकवर्ड काउंट यानी पीछे की तरफ गिनना. काउंट कैसे कैसे गिनती करना, पीछे की तरफ बैकवर्ड काउंट, एंड फिल इन द नंबर्स, और नंबरों को फिल कीजिए. सुभरिए कैसे काउंट करके, बैकवर्ड दिया है 3143, तो 3143 के बाद बैकवर्ड क्या हुआ 3142, तो 42 यानी 1 क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पीछे की तरफ चल रहे हैं. तो 42 के में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हुआ 3141, फिर 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3140, फिर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3139, ऐसे सुखाना है. इसको कैसे करना है, बैकवर्ड काउंटिंग यानी पीछे की तरफ. बैकवर्ड काउंटिंग जो हम पढ़े हुए हैं उसको वैसे करके करना है, जैसे 43, 42, 41, 40 और 39, इस तरह बैकवर्ड काउंटिंग करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग नहीं, इसमें बैकवर्ड काउंटिंग करके इसको हम लिखेंगे. इस तरह 4513, तो 4513 से माइनस वन यानी बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा 4511, इसमें आएगा 4510, इसमें आएगा 4509, सब में माइनस वन यानी बैकवर्ड, पीछे की तरफ हम लोग काउंट कर रहे हैं ना, तो सब में एक क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होते चला जाएगा और यहां तक बन जाएगा. तो इस तरह यह हुआ काउंट बैकवर्ड एंड फिल, इसको बैकवर्ड काउंट करके फिल किए. इसको हम राइट द नंबर दैट फॉलो, जैसे नंबर बताया हुआ उसको फॉलो मीन्स उसको अनुकरण करना, उसको इस तरह इसको फिल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, काउंट कंटिन्यू द पैटर्न. पैटर्न हम पिछले पढ़ रहे हैं, पैटर्न को प्रारूप को हम इसको कंटिन्यू करना है, इसको लगातार करना है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस लगातार, इसको प्रारूप को लगातार करना है. जैसे लिखा हुआ 3000, अब यहाँ लिखा है 3002, तो इसमें क्या हो गया, कितना ऐड हो रहा है, प्लस 2 बढ़ रहा है, तो इस तरह से प्लस 2 करेंगे तो 3004. इसी को इसी जैसे पैटर्न दिया कि प्लस 2 हो रहा है, सब में क्या होगा, प्लस 2 करते जाएंगे तो 3006, इसमें प्लस 2 करेंगे तो 3008. इसी प्रारूप को ऐसे जैसे यहां से सेकंड नंबर जो प्रारूप लागू हो रहा है, एड प्लस 2 ऐड हुआ, प्लस सब माइनस 2 हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो जो भी रूल्स यहाँ फॉलो कर रहा है उसी की तरह से उस पैटर्न को हम, इस प्रारूप को हम उसी तरह कंटिन्यू करके इसमें लिखेंगे. देखिए इसमें दिया है 2100, यहाँ दे दिया 2200 यानी प्लस 100 बढ़ा रहा है, तो सब में 100 प्लस होगा, कितना होगा 100 ऐड होगा, तो क्या होगा 2300, फिर प्लस 100 करेंगे तो 2400, फिर प्लस 100 करेंगे तो 2500. इस तरह आपको इसको इस टाइप से जो भी जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में है उसको अपने नोटबुक में इस तरह से बनाना है, इसको समझ के क्वेश्चन 1 राइट द नंबर द फॉलो इस तरह बनेगा.
ठीक है, आप लोग समझ गए इसको। फिर सेकंड क्वेश्चन है काउंट बैकवर्ड एंड फिल, इसको बैकवर्ड काउंट करते हैं, यानी एक एक सब्ट्रैक्ट करके करना है, बैकवर्ड काउंटिंग जैसे पढ़े हुए हैं उस पर बैकवर्ड काउंटिंग करके इसको हम फिल करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए, ये भी नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिख के आपको बताया है, आपको समझ में आया, इसको नहीं भी लिख सकते लेकिन बैकवर्ड काउंट करके इसको फिल करना है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए कि क्वेश्चन टू कैसे बनेगा। और क्वेश्चन थ्री कंटिन्यू द पैटर्न, यानी इस क्रम को, इस जो आपका प्रारूप है उसको लगातार कैसे लिखेंगे, तो यहाँ इसको भी समझना है कि 3000 इसको देखेंगे कौन सा रूल्स लग रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी नंबर हो रहा है सबों में वही होगा। यहाँ टू से टू होगा तो टू से प्लस टू होगा तो प्लस टू सब में करेंगे, थ्री होगा तो थ्री करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह करके अपने पैटर्न को कंटिन्यू करके हम पैटर्न को पूरा करेंगे। इस तरह जो भी इस टाइप से क्वेश्चन होंगे उसको आप अपने नोटबुक में बनाएंगे और समझेंगे, इसको समझ के फिर अपने नोटबुक फाइनली इसको बना लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोग हमें समाप्त करते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के थैंक यू।